तो हे गाइस, मेरा नाम देवेंद्र और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब के कुछ नए अपडेट के बारे में। तो चलिए चल के जानते हैं कि वो नए अपडेट कौन से हैं और किस तरीके से वो आप सभी को यहाँ पे इफेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब का जो पहला अपडेट है वो है कॉपीराइट स्ट्राइक की ट्रांसपेरेंसी को लेकर। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, जब भी किसी को कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती थी तो वहाँ पे यूट्यूब जो है उनको कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता था, सिंपली जो है उनको एक मेल कर देता था और बता देता था कि आपकी इस वीडियो पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है और इसका जो ऑनर है वो ये है। इसके अलावा जो है प्रॉपर कोई भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब नहीं देता था और ना ही ये बताता था कि आपकी वीडियो में ऐसा आपने क्या यूज़ किया है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। बट यहाँ पे YouTube ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और जो उनका कॉपीराइट स्ट्राइक का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है तो वहाँ पे YouTube अब पूरी तरीके से ये बताएगा कि आपकी वीडियो में ऐसा क्या है, आपने कौन सा म्यूजिक या फिर आपने किसकी वीडियो क्लिप यूज़ किया है या फिर आपने किसकी इमेज यूज़ की है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्रिएटर के लिए कि उनको अगर कोई स्ट्राइक मिलती है तो ऐसे में यूट्यूब उनको ये बताता है कि आपने आपकी वीडियो में ऐसा क्या यूज़ किया है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। तो इससे आप सभी क्रिएटर को जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। और इसके बाद YouTube का जो दूसरा अपडेट है वो है एड स्पॉट का। तो यहाँ पे अब जो है आपको अपने YouTube वीडियो के लिए एक नया एड फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पे क्या होता था कि अगर आपने जो है 10 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाई होती थी तो वहाँ पे आप जो है उस वीडियो पे मल्टीपल ऐड लगा पाते थे, मतलब कि एक से ज़्यादा ऐड। तो वहाँ पे वो डिपेंड करता था कि आप दो लगाते हैं, तीन, चार, पाँच, छः, सात ऐड, कितने ऐड लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता था। बट यहाँ पे YouTube जो है एक नया अपडेट लेके आया है जिसके तहत अगर आप जो है 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाते हैं और 10 मिनट से कम की वीडियो बनाते हैं तो उस पर अब जो है आप एक नया ऐड फॉर्मेट का यूज़ कर पाएंगे जहाँ पे आप जो है उस वीडियो के ऊपर भी मल्टीपल ऐड लगा पाएंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा ऐड को यहाँ पे लगा पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप जो है 10 मिनट से कम की वीडियो बनाते हैं उस पर भी अगर आप मल्टीपल ऐड लगा पाएंगे तो ऐसे में जो क्रिएटर है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है और आप सभी को जो है इससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। और मेरे हिसाब से ये जो नया अपडेट है वो जो है फेसबुक के नए मोनेटाइजेशन की वजह से आया है। तो यूट्यूब ने भी सोचा कि भाई हम जो है अपने क्रिएटर को अपने साथ बांधे रखने के लिए इस तरीके का कुछ नया अपडेट देते हैं जिसकी वजह से हमारे जो क्रिएटर है उनकी अर्निंग यहाँ पे बढ़ जाए और वो जो है इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहीं भी ना जाए। तो एक अच्छा अपडेट इसको बोल सकते हैं, हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा अपडेट है और इससे हम सभी की अर्निंग यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। और इसके बाद जो तीसरा अपडेट है YouTube का वो है स्टोरी फीचर को लेकर। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर हमें स्टोरी का टैब कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपके चैनल के ऊपर जो है 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे में YouTube जो है आप सभी को यहाँ पे स्टोरी का टैब जल्द ही दे देगा। इसके लिए आपको जो है अपने YouTube एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा और मैं आपको बोलूँगा अगर आपने जो है बीटा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है YouTube का तो जाइए प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ से आप जो है जो YouTube का एप्लीकेशन है उसके नीचे जाइएगा, वहाँ पे जो है ज्वाइन प्रोग्राम है तो वहाँ से जो है आप YouTube का एप्लीकेशन का बीटा प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए ताकि आपको जो है आगे आने वाले टाइम में जितने भी नए फीचर हो वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिले। तो फिलहाल के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही अपडेट है, नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या अपडेट आते हैं। जो भी अपडेट आएंगे उससे मैं आपको जो है हमेशा अपडेट रखूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।